हेलो एवरीवन, आज की वीडियो का टॉपिक है भारत ने जीता यूएन पुरस्कार। ठीक है, तो भारत ने जो जो यूएन पुरस्कार जीता है हाल ही में, उसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। भारत में हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप के खिलाफ, उच्च रक्तचाप मीन्स बीपी हाई के खिलाफ किए गए प्रयासों के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है। IHCI यानी इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत भारत की मौजूदा प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली के भीतर बड़े पैमाने पर की गई एक पहल है। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, राज्य सरकारों व विश्व स्वास्थ्य संगठन भारत की एक सहयोगी पहल है। इसकी शुरुआत 2017 में की गई थी। 23 राज्यों के 130 से अधिक जिलों को इसके दायरे में लाने के लिए चरणबद्ध तरीके से इसका विस्तार किया गया। इसके तहत उच्च रक्तचाप के 34 लाख से अधिक रोगी अपना उपचार करवा रहे हैं। 21 सितंबर 2022 को अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में इस पहल ने 2022 यूएन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर WHO स्पेशल प्रोग्राम पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार NCD यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को रोकने व नियंत्रित करने और साथ ही एकीकृत जन केंद्रित प्राथमिक देखभाल प्रदान करने के क्षेत्र में भारत की उत्कृष्ट प्रतिबद्धता को मान्यता देता है। बता दें कि भारत में हर 4 वयस्कों में से एक को उक्त उच्च रक्तचाप है। उच्च रक्तचाप का नियंत्रण हार्ट अटैक, स्ट्रोक और गुर्दे के काम न करने के कारण होने वाली मौतों को कम करने में अपना योगदान देगा। यह सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का पूरक है। यह आयुष्मान भारत कार्यक्रम को बढ़ावा देता है। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं जो मैं अपने चैनल पे आजकल फिर से अपलोड करने लगी हूँ। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।